मैं बहुत फिल जा चुका हूँ। हाँ मैं थोड़ी लेट हो गई। और भाई ने मेरी टांगे देखा? मेरी भी देखो। हाय हाय ले, सब लोग आ गए लेकिन जिसको माइक में गाना गाना है वो प्रीति पिंकी अभी तक नहीं आई। सुबेल ये चार लोग ना ऐसे ही होते, लेकिन प्रीति और पिंकी के लिए ना मैं पूरा साल वेट कर सकती हूँ। हाँ? हाँ। जब वो सुपर हिट गाने गाएंगे ना तो डांडिया खेलने में और भी मजा आएगा। सच में कब आएगी वो? मुझे जल्दी से डांडिया रात खेलना है। मुझे भी ना। लेकिन दिनेश ये तो गलत बात हुई ना, ये सब कपल ही डांस करेंगे। तू टेंशन मत ले, हम अपना कपल बना लेंगे और सब बड़े लोग को हरा देंगे। वेलकम टू डिस्को डांडिया नाइट। आपको जिसका इंतजार था वो आ गई है। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए डिस्को डांडिया के दो चमकते सितारे प्रीति पिंकी का। प्रभा मेहता को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा जो आकर हमारे मेहमानों का स्वागत करेंगे। चाहिए चाहिए। ये मेरा बेटा संजय है। हाय। हाय। हेलो संजय, तुम तो इनको जानती हो। ये है पिंकी और ये है प्रीति। इन्होंने हमारी संस्था के लिए बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं। सो वेरी नाइस मीटिंग यू। थैंक यू सो मच। आप लोग आए, बहुत सुना आप दोनों के बारे में। एंड आई एम थैंकफुल कि आप दोनों आई हैं यहाँ पर, क्योंकि हम सब कब से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब आप आए आपके म्यूजिक पे। विल बी डांसिंग देयर। आंटी मुझे प्रीति पिंकी का ऑटोग्राफ दिलवा दीजिए ना प्लीज। हाँ मां दिला दो। पर नहीं वो जो आंटी है ना संजय अंकल की मम्मा, मुझे अच्छी नहीं लगती। थैंक यू आंटी। अब चलिए प्रोग्राम शुरू कीजिए। चल बेटा। हाँ चलो बेटा अब नीचे उतरो, प्रोग्राम शुरू करते हैं। आयो रे आयो रे आयो रे संजय। आंटी नाराज है क्या कि हम सब यहाँ आए हैं? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुम ऐसे क्यों सोच? पता नहीं पर कोई तो बात है। ऐसी कोई बात, तुम खामोश है ऐसे सोच। देखो तुम बताना चाहो या ना चाहो पर मैं जानती हूँ कुछ तो बात है। ऐसा कुछ भी नहीं, अपना मूड खराब मत करो, डांडिया शुरू होने वाला। तू भी डांडिया ले।
मैं क्या करूंगी इनका, किसके साथ करूंगी? वो तो बिजी है। अरे तू ले तो सही, बाकी तो सब मुझ पर छोड़। शिव जी नु आयो रे आयो बाबा नमूदर आयो गणपति आयो बाबा। ओ आंटी मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ क्या? पूछो, क्या पूछना चाहती? कुछ बात है क्या आंटी? आप काफी परेशान लग रही हैं। नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं। संजय से कोई बहस हुई है क्या? आप मुझे बताइए ना, हो सकता है कि मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। श्रुति बेटा, तुमसे क्या छुपाना बेटा, हर माँ तो यही चाहेगी ना कि उसका बेटा सुखी जीवन जी। अब संजय को तो मेरी परवाह ही नहीं। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। क्या मैं ऐसा चाहूंगी कि उसकी शादी ऐसी कोई गलत लड़की के साथ हो जाए ताकि उसको जीवन भर पछताना पड़े? नहीं ना, यही सोचकर मैंने उसके लिए ना एक बहुत अच्छी लड़की ढूंढी है भावना। मुझे लगा डांडिया का मौका है, इन दोनों को एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा, पर मेरा जिद्दी बेटा है ना, वो उससे दूर भाग रहा है। जिद्दी बेटा, अगर तू कुछ करेगी ना तो मुझे अच्छा लगेगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मुझसे जो होगा मैं करूंगी। थैंक यू बेटा। चीती चोर से घर की रखवाली कराने से घर में चोरी का डर नहीं रहता। अब मजा आएगा जसुबेन। हाँ, अब डिस्को डांडिया खेलने में बहुत मजा आएगा। नहीं जसुबेन, कौन किसके साथ डांडिया खेल रहा है ये देखने में मजा आएगा। यहाँ ना हर साल कोई ना कोई स्कैंडल जरूर होता है। सचमुच तो बड़ा मजा आएगा। आप कहाँ गए? पहली बात चले। हाय हाय। हेलो। तो सारे खिलैया डांडिया कंपटीशन के लिए तैयार है? पहला राउंड सबके लिए है। इस राउंड में हमारे जजेस डांसर्स के कॉस्ट्यूम्स देखेंगे और डांस नहीं, इसीलिए जिनको डांस नहीं आता वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। बस यही मौका है अपना टैलेंट दिखाने का। पहले राउंड के खत्म होते ही बेस्ट कॉस्ट्यूम्स के प्राइज अनाउंस किए जाएंगे। तो आर यू ऑल रेडी टू ग्रूव विद प्रीति पिंकी? अमित, अमित, खुशबू, इसका ध्यान रखना। श्रुति, ध्यान रखना, छोड़ना नहीं। ठीक है, आ रही हूँ। ठीक है, कोने में क्या कर रही थी? सबके साथ रहना ना। चलो अमित, चलो चलो। No।
अब हम तीन बेस्ट कॉस्ट्यूम जीतने वालों के नाम अनाउंस करने जा रहे हैं। वो तीन बेस्ट कॉस्ट्यूम जो हमारे जजेस को सबसे ज्यादा पसंद आए। चापली तू तो है ना पीछे ही खड़ी रहे समझी, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग हैं ना उन्होंने भारी वाली हजारों रुपए के महंगे महंगे चनिया चोली खरीदे हैं और वही पहन कर आए हैं समझी। तुम्हारी तरह पुरानी साड़ी से बने हुए चनिया चोली नहीं पहने किसी ने, वैसे भी तुम्हें तो कोई प्राइज मिलेगा नहीं, जा पीछे। मुझे लगता है ये प्राइज तुझे ही मिलेगा। वैसे तो ना मैं भी एक प्राइज जीतती, लेकिन जीतेगी तो हमारी ऐश्वर्या। इसकी जितनी सुंदर और टैलेंटेड लड़की ना मैंने यहाँ और कोई नहीं देखी। ओहो, अरे अब भगवान भी तेरी कोई मदद नहीं करने वाले समझी। हाँ तुम्हें एक प्राइज जरूर मिलेगी, सबसे रद्दी और खराब कॉस्ट्यूम का। कल जाए आते कैसे कैसे लोग आ जाते अब मुझे। खुशबू कहाँ थी तू? तुझे पता है मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। तुझे याद है जब पापा के साथ हम डांडिया में जाते थे तब तो मैंने इतनी अच्छी चनिया चोली पहनी थी नई वाली, फिर भी हार गए। तब मैंने सोचा नेक्स्ट टाइम जरूर जीतूंगी, पर यहाँ कैसे जीतूंगी मैं? तो मुझसे क्यों पूछ रही हो? तुझसे नहीं पूछूंगी तो किससे पूछूंगी, एक ही तो बहन है मेरी। अच्छा तुम्हारे पीछे जो इतने सारे दोस्त खड़े हैं ना उनसे जाके पूछो। खुशबू बता ना प्लीज, अगर मुझे सबसे खराब चनिया चोली का प्राइस दे दिया तो सब मुझ पे हंसेंगे ना, मुझे डांडिया से मार मार के भगा तो नहीं देंगे? चुप करो ड्रामे बाज, आजकल तो ऐसा पिक्चरों में भी नहीं होता। और जस्सू बेन ने कहा था ना? अरे वो तो कुछ भी बोलती रहती है, उनकी बात मत सुन। ओके, तो जजेस ने फैसला कर लिया है। अब मैं प्रीति और पिंकी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे लिए हमारे विनर्स के नाम अनाउंस करें। भगवान जी प्लीज मुझे बचा लो। तो अब वक्त आ गया है वो नाम अनाउंस करने का जो बेस्ट कॉस्ट्यूम की सेकंड रनर अप है। एंड द सेकंड रनर अप इज ऐश्वर्या जोशीपुरा। और फर्स्ट रनर अप हैं भावना सोमानी। सेकंड है इसलिए फर्स्ट तो मेरी। डिस्को डांडिया 2013 की बेस्ट कॉस्ट्यूम विनर। Thank you.
तुम्हारे साथ मेरे डांस किया कि तुमने चुना हूँ तो और कौन आएगा तेरे बिना मैं प्राइज कैसे जीत सकती हूँ चल देखा ना आपने आपकी प्रिंसेस फर्स्ट प्राइज जीत गई बधाई हो श्रुति बहुत बहुत बधाई हो मम्मी को प्राइज मिल गया तुम्हें तो बड़ी हैरानी हुई होगी है ना नहीं नहीं जसुबेन मुझे तो पूरा यकीन था कि अमी ही जीतेगी ओह देखो मुझे एक भी प्राइज नहीं दिया इन लोगों ने हाँ बस आधे घंटे पहले तेरे पास आने की कोशिश कर रहा था पर तू गोपियों के बीच में कन्हैया बना हुआ था तो मैं नजर कैसे आता कहता और बता ओहो तो वो है मम्मी जी की चॉइस ओह तेरी हाँ अच्छी है यार जरा मुझे याद दिलाना कि इस लड़की में क्या कमी है बस इसी की कमी बाकी थी तू भी माँ की गैंग में शामिल होगा चुप करना यार उनके आने से फूलों ने जल के कहा खिलते हम हैं और बहारें वो लाती हैं सुन इतनी पसंद आ रही तुझे तो तू किसकी बात कर रहा है श्रुति की क्या लग रही है यार ब्यूटिफुल मुझे लगता है वो दिल की इतनी अच्छी है ना कि उसकी पॉजिटिविटी उसकी शक्ल पे नजर आती है अच्छा राइट ये उसकी फैमिली है ना हाँ और मेरी भी माँ भी वहीं पर है कितनी अच्छी थी सबका ख्याल रख रही है कितनी अमेजिंग लड़की है सुन तू कुछ पिएगा पीने के लिए लेकर आऊं तू यू नो व्हाट मुझे लगता है श्रुति को फिर से शादी कर लेनी चाहिए क्या बकवास कर रहे हैं जो मुंह में आ रहा है बोल रहा है अरे वो क्यों नहीं करेगी यार देख उसको सुंदर है नेचर अच्छा है With brains. कोई भी अकलमंद आदमी उससे शादी करना चाहेगा मैं तो सरप्राइज हूं कि तेरे दिमाग में बात क्यों नहीं आई अब तक कभी कभी सच इतना साफ होता है कि नजर ही नहीं आता कांच की तरह हम रोज इस सच के साथ जी रहे होते हैं पर इसके बारे में सोचते नहीं मगर तुझे सोचना पड़ेगा संजय सोच और समझ कि तेरे दिल में क्या है क्योंकि चुप रहकर हम जिंदगी के सबसे खूबसूरत रिश्ते गवा देते हैं